नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज भी हम अपनी पोजिट स्टॉक की सीरीज में तीन स्टॉक को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला स्टॉक है दोस्तों दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट दोस्तों एक 2700 से जब गिरना स्टार्ट हुआ तो नॉन स्टॉप दोस्तों 1800 तक ये स्टॉक आया, और अब जब ये स्टॉक 1800 से चलने स्टार्ट करा तो अब 2315 पर आ चुका है, 2300 के आसपास आ चुका है। अगर दोस्तों इस स्टॉक को अभी कंसीडर नहीं करना है, आप लोगों को इस स्टॉक को कंसीडर करना है 2360 पर। पहले वेट करने देना दोस्तों, स्टॉक को पहले 2360 पे क्लोजिंग करने देना। क्लोजिंग का मतलब है दोस्तों आज जैसे स्टॉक 2360 के पास आता है तो उसे 3:30 बजे मार्केट बंद होती है, तो 2360 पे ही क्लोजिंग देनी चाहिए, उसके बाद ही इस स्टॉक को आप लोग कंसिडर करोगे। तो मैं मान के चलो आप लोग इस स्टॉक को 2360 पे कंसिडर करोगे, और जो इस स्टॉक के अंदर हमारा एसएल होगा दोस्तों वो एसएल होगा 2135 का, ठीक है। 2135 के पास जब स्टॉक जाता है तो आप लोग पहले इस स्टॉक को वहां पर कंसिडर करोगे, और अगर दो दिन 2135 के नीचे रहता है स्टॉक तो आप लोग अपना एसएल मान के बाहर निकल जाओगे। इस स्टॉक के अंदर जो आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों 2680 का, और 2680 के बाद इसके अंदर जो अगला टारगेट देखने को मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा 3015 का, 3015 का, 3015 का। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों हमारा कैनरा बैंक, और कैनरा बैंक के अंदर दोस्तों एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, 272 से नॉन स्टॉप गिरावट आई थी दोस्तों 197 के आसपास तक, और फिर दोस्तों जब स्टॉक ने 197 से चलना स्टार्ट करा और इस टाइम स्टॉक 241 के आसपास आ चुका है। लेकिन अभी आपको स्टॉक को कंसिडर नहीं करना है, आपको स्टॉक को कंसिडर करना है दोस्तों 244 पर। जब स्टॉक 244 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, 244 या 244 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तब आप लोग इस स्टॉक को कंसिडर करोगे, और तब आपका जो एसएल होगा दोस्तों वो एसएल बनेगा आपका 225 का। 225 के नीचे के पास जब स्टॉक आता है तो आप लोग पहले वहां पर उसे एवरेज करोगे, और दो दिन अगर 225 के नीचे रहता है तो आप लोग अपना एसएल मानते हुए निकल जाओगे। इस स्टॉक के अंदर जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा हमें वो मिलेगा 270 का, और जो अगला टारगेट देखने को मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा हमें 300 का। कैनरा बैंक के बाद दोस्तों अपने अगले स्टॉक पे चलते हैं, बीपीसीएल पर। बीपीसीएल दोस्तों वैसे काफी अच्छा डिविडेंड देता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप लोग कंसीडर कर सकते हो, अच्छे रेट पर आप लोगों को मिलता है, तो अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो आप लोग उसे ऐड कर सकते हो। बहुत बढ़िया डिविडेंड देती है कंपनी, और अच्छे रेट पर मिलता है, तो आप लोग इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आप लोग, हम लोग अभी लेकिन इसे स्विंग के लिए डिस्कस करते हैं, तो स्टॉक के अंदर दोस्तों 407 से एक नॉन स्टॉप गिरावट देखने को मिली थी, और स्टॉक 330 तक आ गया था, और अब 330 से दोबारा से स्टॉक चलना स्टार्ट कर रहा है दोस्तों, और इस टाइम जो स्टॉक है वो 380 के आसपास आ चुका है, तो आप लोग स्टॉक को 380 पर कंसीडर करोगे, और जो इसका एसएल होगा दोस्तों वो होगा 355। तो जब स्टॉक 355 के पास आएगा तो आप लोग पहले वहां पर एवरेज करोगे एक बार, और अगर 355 के नीचे अगर दो दिन रहता है तो आप लोग वहां पर अपना एसएल मानते हुए एग्जिट कर जाओगे। इस स्टॉक के अंदर जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा हमें वो मिलेगा 405 का, और जो अगला टारगेट होगा दोस्तों वो हमें मिलेगा 435 का। दोस्तों जब मार्केट में गिरावट आ रही थी तो मैंने आप लोगों को कहा था 16200 एक अच्छा लेवल होगा, 16200 16100 के आसपास। आप लोग मेरी वीडियो में जाके देखना, मैंने चार्ट पे चर्चा करके अपना उस टाइम पे वीडियो बना रखा था, तो मैंने आप लोगों को कहा था दोस्तों अगर आपके पास फंड है तो आप लोग यहाँ पर एवरेज जरूर करना, और अगर फंड नहीं है दोस्तों तो पैनिक में आके कभी भी स्टॉक अपने मत बेचना। कभी भी पैनिक में दोस्तों शेयर बेचे नहीं जाते हैं, या तो एवरेज करा जाता है, नई बाइंग बनाई जाती है, नई पोजीशन बनाई जाती है, या फिर वेट किया जाता है। आपको जब भी बेचना है दोस्तों जब मार्केट के अंदर तेजी आ रखी हो, जब मार्केट बुलिश जोन में हो, उस टाइम बेचना होता है। तो अगर आप लोगों ने उस टाइम अपने शेयर्स को एवरेज करा होगा तो आप लोग जरूर प्रॉफिट में आ चुके होंगे, और जिन्होंने एवरेज नहीं करा था तो उनका भी पोर्टफोलियो दोस्तों या तो थोड़ा बहुत नेगेटिव होगा या कुछ दिनों में जरूर प्लस में आ जाएगा, हो सकता है प्लस में भी आ गया हो। तो यही सारी चीजें आप लोगों को मार्केट के अंदर समझनी है। आप लोगों ने अगर वहां पर एवरेज करा होगा 16000, अभी ये सारी कहानी दोस्तों एक डेढ़ महीने की है, और एक डेढ़ महीने के अंदर दोस्तों मार्केट कहां से नीचे जाके एक डिप मार के आ गया,
और दोबारा से दोस्तों 18,016 मतलब जब मार्केट में जब दोस्तों करेक्शन आई थी, जब मार्केट टूट रहा था तो 15,600 के आसपास शायद चला गया था, और अब मार्केट दोबारा से दोस्तों 18,000 के आसपास आके खड़ा हो चुका है। तो इन सब बातों को समझना है आप लोगों को, पैनिक में आके अपने शेयर बेचने नहीं होते हैं। अगर आप लोग मार्केट में लंबे समय का व्यू लेके आए हो तो लंबे समय तक बने रहो, अच्छे स्टॉक में को कंसिडर करा करो, पैनिक स्टॉक के चक्कर में बहुत ज्यादा मत पड़ा करो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा। इसी आशा के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।